क्या है बीजेपी का यूपी के लिए मिशन 2024? कैसे जीतेगी बीजेपी 80 में से 75 सीट? योगी दोहरा पाएंगे 2014 का इतिहास? सरकार और संगठन कैसे रहेगा एकजुट? हर कार्यकर्ता कैसे होगा संतुष्ट? कैसे करेगी बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप? 2022 जीतने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस 2024 पर केंद्रित है। 2014 और 2019 लोकसभा जीत चुकी बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। उसके पास मोदी जैसे विश्वसनीय और योगी जैसा दमदार चेहरा है, लेकिन जनता की नब्ज पकड़ कर रखना हमेशा राजनेताओं के लिए चुनौती रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए यूपी बीजेपी ने प्लान 2024 तैयार किया है। देखिए असत न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं संगठन की। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। पार्टी द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग को अपनाया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पूरी नई टीम बनाई जाएगी। नई टीम ही चुनावी रूपरेखा को धरातल पर उतारेगी। भाजपा में सबके लिए काम, इस मंत्र पर चलते हुए हर कार्यकर्ता को काम दिया जाएगा, उससे फीडबैक लिया जाएगा। क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है, अब बारी जमीन पर उतरने की है। पन्ना, बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, विधानसभा, लोकसभा, इतने स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। पूरे प्रदेश को संगठन के लिहाज से कई भागों में बांटा गया है। सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं को संगठन जनता तक पहुंचाएगा। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बीजेपी का फोकस अब पसमांदा मुसलमान भी हैं। संगठन को मजबूत करने के बाद अब नजर डालते हैं योगी सरकार के स्तर की तैयारियों पर। लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने का टारगेट अब 5 साल से कम करके 2 साल रखा गया है। 2024 के लिए यूपी के 75 जिलों को 25-25 के 3 भागों में बांटा गया है। इनका प्रभार मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के पास रहेगा। कुछ समय के बाद प्रभार क्षेत्र तीनों का बदला जाएगा। इनके नीचे कैबिनेट मंत्री मंडल स्तर का प्रभार देखेंगे। 18 मंडलों का प्रभार 18 कैबिनेट मंत्रियों को दिया गया है। इनके प्रभार में भी बदलाव होगा। 2024 तक हर कैबिनेट मंत्री हर मंडल का दौरा करेगा। स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को भी कैबिनेट मंत्री की निगरानी में जिलों का प्रभार दिया गया है। अभी तक 2-2 मंडलों का दौरा मंत्री कर चुके हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्री सरकारी कार्यों का निरीक्षण करने के साथ जनता से फीडबैक ले रहे हैं। सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए मंत्रियों को पिछड़े और दलितों के यहाँ रात्रि विश्राम के आदेश दिए गए हैं। सरकारी कार्य योजनाओं को 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 सालों में बांटा गया है। सरकार के मंत्रियों को प्रशिक्षित करने के बाद प्रभार वाले मंडलों में बदलाव किया गया है। ये बात सब जानते हैं कि मौजूदा वक्त में बीजेपी से अच्छी माइक्रो प्लानिंग कोई दल नहीं करता है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में सोशल मीडिया और मीडिया में बयानवीर बने विपक्ष को एक बार फिर से आत्ममंथन करना होगा कि 2024 की चुनावी तैयारियों के लिहाज से वो बीजेपी के मुकाबले किस पायदान पर खड़ी है। असत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।